हेलो दोस्तों वेलकम टू द कैफे आई एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के बारे में ठीक है यूपीएससी पी ये मैंने एक धौलपुर हाउस है जहां पे आपके इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं वो मैंने एक पिक्चर अटैच कर दी है ठीक है तो आज हम बात कर लेते हैं कंपेयर कर लेते हैं एस को और यू के प्रोविजन्स को सो लेट्स बिगेन विद द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोविजन्स राइट सो ये आर्टिकल थ्री वन टू थ्री जो

क्वालिफिकेशन की बात करते हैं क्वालिफिकेशन की बहुत स्पेसिफिक प्रोविजन्स नहीं दिए गए इंडिविजुअल मेंबर्स के दोनों ही लेवल पे स्टेट और यूनियन लेवल पे बस एक क्वालिफिकेशन दिया गया है बड़ा वेग सा क्वालिफिकेशन है कि टोटल मेंबर्स हैं जितने भी टोटल मेंबर्स आपने सेलेक्ट करने हैं अपॉइंट करने हैं यूपीएससी uh, या एस में उसमें से आधे मेंबर्स यानी फिफ्टी परसेंट मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस के ऑफिस बियर होने चाहिए दस साल के लिए यानी कि दे शुड हेल्थ ऑफिस एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट एनी स्टेट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट टेन ईयर्स ठीक है तो यहां पर सिर्फ एक सिंपल सा क्वालिफिकेशन है इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है अगर हम एज की टेन्योर की बात करें तो यहां पर 665 है सिमिलर टू योर सीई और यहां पर एस के केस में क्या बात है क्या आप बात करें तो यहां पर सिक्सटी की जगह हो गया सिक्सटी ठीक है 62, तो यहाँ पर सिक्स सिक्सटी फाइव यहाँ पर सिक्स ठीक है सैलरी की अगर हम बात करें इट इज चार्ज ऑन द रिलेटेड टूपीएस अगर चेयरमैन नहीं है ठीक है अगर ऑफिस जो चेयरमैन का ऑफिस है वो वैकेंट है या फिर चेयरमैन ड्यूटी अपने ऑफिस की परफॉर्म करने के लिए एबसेंट या कोई अदर रीजन से है। तो इन दो केसेस में क्या होता है मेंबर्स होते हैं ना यूपीएससी के उसको एक्टिंग चेयरमैन बना दिया जाता है प्रेसिडेंट और सिमिलर केसेस स्टेट लेवल पे वहां पे कौन करता है गवर्नर। है गवर्नर ठीक अगर यूपीएससी का चेयरमैन है अगर मैं यूपीएससी यूपीएससी का यूनियन लेवल पर अगर चेयरमैन है उसको एलिजिबल नहीं है अगर मेंबर है तो वो चेयरमैन बन सकता है स्टेट लेवल पर बन सकता है या फिर चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का ठीक है ये यूपीएससी का होगा अगर मैं स्टेट लेवल पे आता हूँ स्टेट लेवल पे क्या होगा जो चेयरमैन होगा वो या तो यूपीएससी यू का चेयरमैन बन सकता है या फिर किस यूपीएससी का मेंबर बन सकता है ठीक है यानी कि जो चेयरमैन है यूपीएससी तक जा सकता है या तो चेयरमैन क्योंकि स्टेट लेवल पर तो ऑलरेडी हाइजेस्ट पोस्ट ले चुका है चेयरमैन की तो वो या तो यूपीएससी का चेयरमैन बनेगा या मेंबर बनेगा राइट अगर मेंबर के केस में बात करूं तो मेंबर वो स्टेट पीसीएस के हैं तो वो स्टेट पीसीएस के या तो चेयरमैन बन सकते हैं स्टेट लेवल पे या फिर अगर यूनियन लेवल पे बात करें तो उसके तो मेंबर्स या फिर चेयरमैन दोनों ही बन सकते हैं

एजुकेटेड एंड इंसॉल्वेंट यानी कि एज गॉन बैंक करप्ट दूसरा है कि अगर किसी भी जैसे टर्म्स ऑफ ऑफिस में ऑलरेडी ड्यूटीज निभा रहा है अपने उस केस में यानी यूपीएससी का मेंबर रहते हुए या चेयरमैन रहते हुए अगर किसी दूसरे पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज होता है तो उसको रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा थर्ड है कि इफ ऑन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट को ये लगता है कि वो अनफिट है ऑफिस कंटिन्यू करने में और रीजन क्या है ड्यू टू इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी उसका माइंड या बॉडी साथ नहीं दे रही तो इस बेसिस पर अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो अनफिट है तो तब भी रिमूव किया जा सकता है तो वन टू आर सिमिलर फॉर द एस पी एस सी अगर स्पेशल केस और है कि दैट पर्सन जो मेंबर या चेयरमैन है कैन बी रिमूव फॉर मिस बिहेवियर यानी कि मिस बिहेवियर केस में रिमूव किया जा सकता है बट इस केस में क्या होगा कि प्रेसिडेंट को ये मैटर है मिसबिहेवियर वाला सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी के लिए रेफर करना होगा और इस केस में जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगा वो बाइंडिंग एडवाइस देगी वो कह सकता है कि मिसबिहेवियर किया था इसलिए रिमूव कर दो तो रिमूव तो करना पड़ेगा वो कहेगा कि नहीं है behavior, तो नहीं, मन, नहीं कर सकते आप तो उसको रिमूव नहीं किया जाएगा तो बाइंडिंग एडवाइस होती है मिसबिहेवियर के केस में यूपीएससी मेंबर्स में सिमिलरली एसपीएससी के केस में और इंक्वायरी जब चल रही हो तो इस ड्यूरिंग इंक्वायरी चेयरमैन एंड मेंबर कैन बी सस्पेंडेड ठीक है अब देखिए मिसबिहेवियर होता क्या है मिसबिहेवियर का ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से गलत बात कर ली या किसी को बदतमीजी से बात कर ली मिसबिहेवियर को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है यहाँ पे देखिए दो कंडीशन होती है मिसबिहेवियर के यहाँ पे पहली बात है कि अगर वो पर्सन किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में इंटरेस्टेड है ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट हो या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का हो तो उस केस में भी वो मिसबिहेवियर माना जाएगा दूसरा केस क्या है कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट से या तो कोई सब बेनिफिट मिल रहा हो या मॉनिटरी बेनिफिट यानी प्रॉफिट मिल रहा हो

ठीक है तो पहला हमने देख लिया दूसरा है, अब देखिए सेकंड कंडीशन देखिए सेकंड में क्या है कि उसकी जो भी कंडीशन ऑफ सर्विस एंड बेनिफिट है दे केन नॉट बी चेंज टू हिस्स डिसएडवांटेज। उसको कम नहीं किया जाएगा ठीक है आफ्टर अपॉइंटमेंट यानी अपॉइंट एक एग्जाम्पल लेते हैं कंडीशन ऑफ सर्विस बेनिफिट फॉर एग्जाम्पल उसको दो सौ रुपये मिल रहे हैं अपॉइंटमेंट के टाइम पे तो ऐसा नहीं कि अपॉइंटमेंट के बाद उसको सौ रुपये कर दिए जाएंगे तो उसको ये है कि आपके ये बेनिफिट्स चेंज नहीं होंगे जिसकी उस, जिससे उसकी इंडिपेंडेंस बनी रहे तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो गया कंडीशन ऑफ सर्विस एंड बेनिफिट्स हो गया थर्ड एक्सपेंस सैलरी पेंशन आर चार्ज ऑन द कॉन्सोलीटेड फंड ऑफ इंडिया इसका मतलब है कि दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट के वोट के रिक्वायरमेंट नहीं है वो सीधे चार्ज हो जाते हैं कॉन्सॉलीटेड फंड ऑफ इंडिया पे ये हमने बहुत ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है हमने पुराने लेक्चर्स में देखिए अब एक बार देख लेते हैं कि कॉन्सोलीटेड फंड ऑफ इंडिया है क्या चीज ठीक है कॉन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है देखिए सेंटर कोई भी रेवेन्यू रिसीव करता है टैक्सेस के थ्रू जैसे इनकम टैक्स है सेंट्रल एक्साइज है कस्टम टैक्स कस्टम्स है या कोई भी और भी अदर है इसे नॉन टैक्स रेवेन्यूज है ये है। इस सारे रेवेन्यूज एक आते हैं पहली बात दूसरा अगर से, आ, सेंटर कोई लोन्स वगैरह लेता है ठीक है रेज करता है कोई लोन पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू ट्रेजरी बिल ट्रेजरी बिल मतलब इंटरनल डेट होता है जो ट्रेजरी बिल को इशू करता है फॉरेन गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ठीक है ट्रेजरी मतलब इंटरनल डेट यानी घर से ही उसने लोन लिया है इंडिया से ही लोन लिया है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर वो लोन लेता है तो वो क्लासीफाई हो जाता है एक्सटर्नल डेट के अंदर ठीक है ये सारे आते हैं उसमें ठीक है और जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं वो इसमें से जनरली इसी में से लिए जाते हैं कॉन्सोलीटेड फंड ऑफ इंडिया से और इसके अलावा एक फंड और होता है जिसको कहते हैं हम कंटेजेंसी फंड कंटेंजेंसी फंड का मतलब है नाम से ही क्लियर है कि अंडर आर्टिकल 267 में होता है ये आर्टिकल 267 में है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट को इसने एम्पावर किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि इस फंड में से आप पैसे ले सकते हो इनकेस कोई नेचुरल कैलेमिटी हो डिजास्टर हो

एस पी एस सी के भी ठीक है स्टेट को असिस्ट करना अगर दो या दो से अधिक स्टेट अगर उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले मुझे कैंडिडेट चाहिए उसके हम ज्वाइंट रिक्रूटमेंट करेंगे तो उसको असिस्ट करता है या फिर स्टेट गवर्नर रिक्वेस्ट करता है कि कोई ऐसी नीड है जहाँ पे उनको मुझे यूपीएससी की हेल्प चाहिए तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद उस स्टेट की भी हेल्प करता है रिक्रूटमेंट मैटर्स को लेके एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है अपॉइंटमेंट के लिए यूपीएससी की बात करें तो ऑल इंडिया सर्विस के लिए सेंट्रल सर्विसेज के लिए पब्लिक सर्विसेज के लिए और गवर्नर करता है स्टेट लेवल की सर्विस के लिए देखिए जब हम ऑल इंडिया सर्विस की बात करते हैं तो हमारे पास तीन सर्विसेज हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ये तीन ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जो हम आई कहते हैं ना इंडियन फॉरन सर्विसेज दिस इज सेंट्रल सर्विस राइट तो यह सर्विस के बारे में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फंक्शन देखता है पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड फंक्शन देखते हैं दोनों ही लेवल पर स्टेट और यू, यूनियन लेवल पर कि किस तरह से रिक्रूटमेंट किया जाएगा अपॉइंटमेंट के दौरान कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो होंगे सिविल सर्विसेज में प्रमोशंस अगर हम कर रहे हैं ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक सर्विस से दूसरी सर्विस में तो कौन से प्रिंसिपल फॉलो किए जाने हैं क्या कैंडिडेट सूटेबल है कि नहीं है सिविल सर्विसेज के लिए ठीक है इस तरह की रिकमेंडेशन करना और साथ में देखिए डिसिप्लिनरी मैटर्स होते हैं उससे रिलेटेड फंक्शन हैं जैसे कि कौन कौन से मैटर्स हो सकते हैं कि इंक्रीमेंट को रोक दिया गया है प्रमोशन को रोक देना uh, डेमोशन तो करा देना कंपलसरी रिटायरमेंट से प्रोविजन है सर्विस रिमूवल ठीक है ये सारे प्रोविजन बहुत जनरल प्रोविजन्स है एक बार ट्रांसफ्रू कर लीजिए या फिर इन केस जैसे सिविल सर्वेंट है कोई ठीक है उसको अपनी ड्यूटी करते टाइम क्या हुआ उस पर किसी ने केस कर दिया कोई भी एक्ट किया उसने ऑफिशियल एक्ट किया और उससे रिलेटेड कोई केस कर दिया तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसको लॉ या एडवोकेट की जरूरत पड़ी तो उसने उसको फीस पे की तो ऐसे केसेज में वो रियम्बर्समेंट के लिए अप्लाई करेगा तो यूपीएससी देखता है कि इन केसेस में रियम्बर्समेंट या लीगल एक्सपेंसिस जो भी होते हैं उनको दिया जाना चाहिए कितना दिया जाना चाहिए ठीक है वो सारी चीजें देखता है और क्या है देखिए पेंशन से रिलेटेड मसले हैं एक सेकेंड गो बैक टू द पेंशन से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं वो देखता है या देखिए पेंशन से रिलेटेड और कोई भी अदर मैटर है पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड ठीक है एम्प्लॉय मैनेजमेंट या फिर जिसको कह सकते हैं ऑफिसल मैनेजमेंट पर्सनल मैनेजमेंट तो पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड को भी है अब देखिए ये ये वाले दो हैं ये यूपीएससी के हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं पहले दिखाया था मैंने वो हाईलाइटेड और ये वाले हाईलाइटेड ये यूपीएससी डील करता है इनसे तो पहले तो हमने देख लिए थे अब इनको भी देख लेते हैं कि कोई भी ऐसे टेम्पररी अपॉइंटमेंट जिनकी पीरियड एक साल से ज्यादा हो यानी कि अपॉइंटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट एक साल से ज्यादा है टेम्प्रेरी तो है लेकिन वो एक साल से ज्यादा है तो उनको यूपीएससी डील करेगा सिमिलरली uh, के कुछ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट कई बार जैसे सिविल सर्वेंट से रिटायर हो गए हैं उनकी सर्विस को एक्सटेंशन करना उनको एक्सटेंशन देना बढ़ा देना उनको और ठीक है ये ये सारे प्रोविजन कौन देख लेता है यूपीएससी देखता है नाउ कम टू द अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहला बहुत ही ऑब्वियस है वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम मेरिट सिस्टम को ठीक है प्रिजर्व करके रखता है इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू कंसल्ट यूपीएससी अब देखिए यूपीएससी ने के सारे मैटर हमने देख लिए कौन कौन से मैटर में यूपीएससी के ज एंड अथॉरिटीज हैं फंक्शन है बेसिकली अगर इन केस के गमेंट क्या होता है कि सिविल सर्वेंट को अपॉइंट करना है सू पी एस सी ने सिलेक्ट कर लिया गवर्नमेंट ने इन किसी मैटर पर यूपीएससी से कंसल्ट नहीं किया प्रमोशन हो गया या फिर वो डिसमिसल हो गया कुछ भी हो गया किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ तो जो पब्लिक सर्वेंट कोर्ट में नहीं जा सकता कि गवर्नमेंट ने यू पी एस सी को कंसल्ट नहीं किया ये तो गलत है इस बेसिस को लेके कोई रेमेडी नहीं है कोर्ट में वो पब्लिक सर्वेंट कोर्ट में नहीं जा सकता

करना या नहीं करने का डिसीजन है वो फेयर होगा और विदाउट इल इंटेंशन होगा ठीक है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द लिमिटेशन यानी कि कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो यूपीएससी के स्कोप से बाहर होते हैं परव्यू से बाहर होते हैं वो कौन कौन से मैटर है पहला कि किसी भी पोस्ट या अपॉइंटमेंट अगर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन हैं जो बैकवर्ड क्लास है उनके फेवर में करनी है उनसे रिलेटेड रिजर्वेशन रखना है अपॉइंटमेंट में तो ये वाला जो मैटर है वो आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ यूपीएससी सिमिलरली इफ देयर इज एनी क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ड्राइव अपॉइंटमेंट में अगर उनको कंसिडर करना है तो ऐसे क्लेम्स से रिलेटेड मैटर भी यूपीएससी के परव्यू से बाहर हैं थर्ड में देखिए अगर हमने देखा था कि यूपीएससी में टेम्पररी जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो वन ईयर से ज्यादा होंगे तो वो यूपीएससी के स्कोप में है लेकिन अगर वो टेम्पररी अपॉइंटमेंट है लेकिन वो वन ईयर से कम है ऐसा अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट से वन ईयर है या लेस है तो ये भी आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूपीएससी ठीक है और अगर हम और भी बात करें कौन कौन से ऐसे केस हैं चेयरमैन है या मेंबरशिप है किसी कमीशन का ट्रिब्यूनल के चेयरमैन है मेंबर हैं या फिर कोई हायर डिप्लोमेटिक पोस्ट हैं ज़्यादातर ग्रुप या सी डी सर्विसेज की पोस्ट हैं तो ये सारे मैटर यूपीएससी के स्कोप से बाहर हैं करेक्ट अगर हम बात करें एस पी एस सी के के केस में तो एस पी एस सी के केस में क्या होता है कि यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड जो प्रोविज़न था और एस सी एस टी से रिलेटेड जो प्रोविज़न था वो सिमिलर है तो ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी इसके अलावा और देख लेते हैं जो एडिशनल फंक्शन है यानी को Parliament के है को के द्वारा कोई भी भी दिए दिए जा जा सकते सकते हैं। हैं, जो उसको परफॉर्म करने पड़े अब देखिए यूपीएससी और एसपीएससी दोनों ही एनुअली रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेकर यूपीएससी प्रेसिडेंट को जबकि एसपीएससी गवर्नर को और गवर्नर और या प्रेसिडेंट वो उस रिपोर्ट को प्लेसेस बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और यहां पे बिफोर द हाउस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली असेंबलीर तो प्रोविजन है वाला अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या होता है रिपोर्ट में क्या होता है कि परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल तो होती है लेकिन ये भी होता है इस डिटेल में होता है आ, रिपोर्ट की डिटेल्स में होता है एक मेमोरेंडम होता है उसमें वो वाले केसेस भी मेंशन होते हैं जहां उनके जिन केसेस में कमीशन की एडवाइस नहीं मानी गई कमीशन ने यूपीएससी ने एसपीएससी ने कुछ एडवाइस दी थी तो हालांकि एडवाइस होती है वो एडवाइजरी नेचर की होती है बाइंडिंग नहीं है लेकिन मानी नहीं गई तो क्यों नहीं मानी गई आपको एक्सप्लेन करना है ठीक है उस रीजन्स भी आपको देने हैं उस रिपोर्ट में तो उस रिपोर्ट में ये सारी चीजें मैंशन होती हैं तो ऐसे केसेस जहां पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवाइस एक्सेप्ट नहीं की गई तो ऐसे नॉन एक्सेप्टेंस के केसेस को अप्रूव करना होता है तो अप्रूव कौन करेगा यूनियन कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी है इस तरह के नॉन एक्सेप्टेंस के केसेस को अप्रूव करती है अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी एक इंडिविजुअल मिनिस्ट्री है या फिर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है वो यूपीएससी की एडवाइस को रिजेक्ट नहीं कर सकता उसके पास पावर नहीं होती ठीक है तो और यहां पे एस के केस के के में आप देखो कि एस के केस के के में एक प्रोविजन है जुडिसरी से रिलेटेड ये अलग प्रोविजन है इसको देख लेते हैं ये प्रोविजन क्या कहता है कि अगर गवर्नर जो लोअर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर करता है अपॉइंटमेंट जजेस की यहाँ देखिए गवर्नर अपॉइंटमेंट कर रहा है लोअर जुडिशरी में हायर जुडिशरी अपनी कौन सी होती है हायर जुडिशरी की जब हम बात करते हैं तो हायर जुडिशरी में आते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसके अलावा बाकी लो होती है लोअर जुडिशरी तो लोअर जुडिशरी में जब अपॉइंटमेंट होती है जजेस की तो गवर्नर जो होता है वो एस को कंसल्ट करता है इसमें एक्सेप्शन क्या है कि डिस्ट्रिक्ट जज के केस में यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट जज के केस में एस, एस को कंसल्टेशन नहीं करना होता ठीक है देखिए नाउ थर्ड पॉइंट पे, पे आइए कि यूपीएससी की हमने देखो लिमिटेशंस भी देख ली थी यूपीएससी के हमने फंक्शंस भी देख लिए थे तो यहां पे क्या है कि जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं पे या सर्विस कंडीशन की बात करते हैं कैडर मैनेजमेंट की बात करते हैं ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इन केसेज को यूपीएससी या एसपीएससी डील नहीं करते उनको डील कौन करता है इनके लिए अलग डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट इन मैटर्स को डील करता है नाउ एक दो प्रोविजन और है फॉर एग्जाम्पल के, के प्रेसिडेंट होता है वो ऑल इंडिया सर्विसेज या सेंट्रल सर्विसेज और पोस्ट से रिलेटेड रेगुलेशन बना सकता है बट ऐसे रेगुलेशन को पार्लियामेंट में चौदह दिन के लिए रखना होगा अप्रूवल के लिए सिमिलर प्रोविजन गवर्नर के लिए है, वो किसके लिए करता है स्टेट सर्विसेज के लिए नाउ एक, एक प्रोविजन ये हो गया और दूसरा क्या है जो आपको याद रखना है कि गवर्नर या प्रेसिडेंट एस के स्कोप से कुछ पोस्ट या सर्विसेज को एक्सक्लूड कर सकते हैं यानी गवर्नर एस से एक्सक्लूड कर सकता है कुछ सर्विसेज को कि आप आ, इनसे आ, इनसे अथॉरिटी नहीं है ऐसी सर्विसेज और पोस्ट हैं वो आपके और मैटर्स हैं वो आपके स्कोप में नहीं है गवर्नर कर सकता है यू पी के, के, के केस में क्या है वो कर सकता है प्रेसिडेंट कर सकता है ठीक है सिंपल प्रोविजन है अब कंप्रहेंसिव कवरेज के लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन ये दो या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए बनाया जाता है ठीक है बहुत ऑब्वियस है सारी यानी दो या दो से ज्यादा सिंगल स्टेट होता तो गवर्नर पिक्चर में आता लेकिन दो या दो से ज्यादा स्टेट्स हैं तो प्रेसिडेंट बस इतना याद रख लीजिए यानी कि इफ द एनी स्टेट लेजिस्लेचर यानी दो या दो से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर जो भी कंसर्न है अगर वो पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं तो पार्लियामेंट बाई ए स्टेच डे कैन कॉन्स्टिट्यूट ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन दो या दो से ज्यादा स्टेट हैं जैसे हमने बात की तो मेंबर चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट एंड रिमूवल कौन देखेगा प्रेसिडेंट किसको रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट ठीक है नंबर ऑफ मेंबर्स एंड सर्विस कंडीशंस कौन डिसाइड करेगा डिटरमाइन करेगा प्रेसिडेंट ठीक है सिंपल है अब नाउ कोई स्टेट गवर्नर रिक्वेस्ट करता है कि कोई स्पेशल नीड्स हैं किसी स्टेट की रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट तो यूपीएससी उसको भी सर्व कर सकता है बट फॉर that the यूपीएससी एस सी दूपीएससी हैजू टेक द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ठीक है सिंपल है एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट की बात करेंगे रिपोर्ट तो उनको पेश करनी होती है कि सबमिट करनी होती है या तो गवर्नर को या प्रेसिडेंट को तो यहाँ पर क्या होगा प्रेसिडेंट को उन्हें सबमिट करनी पड़ेगी वो रिपोर्ट ठीक है उसके बाद क्या होगा प्रेसिडेंट सॉरी गवर्नर को यहाँ पे आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो करनी पड़ेगी कंसर्न स्टेट गवर्नर को यानी कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा स्टेट है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टेट वन स्टेट टू है तो सबमिट किसको होगी रिपोर्ट गवर्नर को यहाँ भी गवर्नर को सबमिट होगी रिपोर्ट वो अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर में उसको प्लेस कर देंगे ठीक है तो ये सिंपल से प्रोविजन है जॉइंट पी से रिलेटेड तो आज के लिए बस इतना ही हमने अच्छे से साइड बाई साइड कंपेरिजन देख लिया यूपीएससी का एस के लिए इसके बाद हम एक जो वीडियो आएगा वो आएगा सी पे और सी के बाद आएगा फाइनेंस कमीशन पे तो फाइनेंस कमीशन में भी हम बहुत डिटेल में देखेंगे फोरटीनथ वाले के देख लेंगे फिफ्टीनथ देख लेंगे सिक्सटीन देख लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होंगे वो तो देख ही लेंगे ठीक है तो इसके जो ये सीरीज हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम मैं कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो अभी जो नेक्स्ट आने वाली है मैंने बताई दिया है सी और फाइनेंस कमीशन वो तब तक आप स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए और आई होप कि आपकी पढ़ाई ट्रैक पर हो मिलते हैं अगले लेक्चर में वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू